अपने पतियों के ऊपर निर्भर रहते थे, वो अपने निर्भर रहना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है कि पहली बार महिला मल्ला 1000 के सहायता राशि कोई सरकार देवा थे। मोदी जी की गारंटी, ये एक लाइन का शब्द सभी महिलाओं के जीवन को बदल के रख दिया है। वो आ गया है कि हमको लोकसभा में मोदी जी को वापस से लाना ही है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर वन डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है गरियाबंद जिले के ग्रामीण इलाके में और महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में किस तरह से उत्साह है ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस योजना का कितना लाभ उन्हें मिलने वाला है और कितनी खुशी है। ये जो योजना है, घर से कितना लाभ मिलने वाला है आप मल्ल? हाँ, अच्छा योजना है। अच्छा योजना है। अच्छा, एक घर से लाभ मिली महिला मल्ल? का लगत है आगे जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत वही महिला मन के हाँ। वाला इससे और आप लोग हम लोग को क्या है, बहुत ज्यादा होने वाला है, सालाना 12,000 मिलेगा। इससे क्या आर्थिक का थोड़ा बहुत सुधार भी होगा। इससे हम क्या अपने पतियों के ऊपर निर्भर रहते थे, वो अपने ही निर्भर रहना पड़ेगा। सब्जी अपनी मार्केट के लिए खुद के पास अपना हो जाएगा। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। अच्छा है योजना, मोदी जी की योजना है। मोदी जी बोले थे कि महिलाओं को साल में 12,000 रुपए देंगे। अब ये योजना लागू होने वाला है 1 मार्च से, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। अच्छा है योजना। कभी मैंने इससे पहले जो सरकार आई थी, कभी ऐसा आपको लगा था इस तरह का योजना का आपको लाभ मिलेगा? इस वक्त हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महतारी वंदन योजना की शुरुआत 1 मार्च से होने वाली है, इससे कितना लाभ होने वाला है महिलाओं को, क्या लग रहा है आपको? सभी महिलाओं को इससे लाभ होगा। नरेंद्र मोदी की घोषणा पत्र थी महतारी वंदना योजना, जिसके तहत सभी महिलाओं की आर्थिक स्थिति बढ़िया सुदृढ़ होगी और इससे सबको लाभ मिलेगा। उनका आर्थिक स्थिति भी बढ़िया मजबूत होगी। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद और हमारे मुख्यमंत्री जी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार होगा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कितना कारगर साबित होने वाला है योजना? अभी हमारी महिलाएं बहुत खुशी से हैं कि अभी फार्म भर रहे हैं महतारी योजना का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी महिलाओं के लिए, इतना करने के लिए बोले हैं, वो करके दिखा रहे हैं। क्या लगता है महिला कितनी सशक्त होंगी इस योजना से? बिल्कुल सशक्त होंगे। मोदी जी की गारंटी योजना के लिए जो घोषणा किए थे उसे हम सभी महिलाएं आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रति माह 1,000 रुपये मिलने से हम सभी महिलाएं खुश होंगे, बहुत खुश और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगे। हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस योजना से कितना लाभ मिलेगा महिलाओं? बहुत लाभ मिलेगा, मिलते आ रहा है और आगे भी मिलेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महतारी वंदन योजना की शुरुआत होने जा रही है, क्या लगता है कितना लाभ महिलाओं को इससे मिलेगा? सबसे बड़ी बात तो महतारी वंदन योजना जो लागू करे है तब यहाँ राज्य सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हो और हमारे मोदी जी ला भी धन्यवाद देवत हो कि जो योजना ला वो मन ला है वोकर एक गारंटी रही से कि महिला मन ला 1,000 देना है। वो गारंटी ला पूरा हो थे और हर महिला मन ला मिली, हमू मन ला मिली 1 मार्च से सब महिला मतलब 1,000 रुपये मिली। वो करिए सभी महिला बहुत उत्साहित है और सब जन आंगनबाड़ी में जाके नगर पालिका या पंचायत में जाके फार्म भरत है, वो करिए बहुत उत्साह के माहौल है। सब महिला मन एक लाभ लेवत है और इमे महिला सशक्तिकरण ला बढ़ावा मिली। 1,000 हर महिला ला बहुत योगदान दी तो वोकर से हर महिला मतलब एक आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाई। तो बहुत खुशी की बात है कि पहली बार महिला मल्ला 1,000 के सहायता राशि कोई सरकार देवा थे तो वो हा अभी राज्य सरकार हा जो अपन घोषणा में कर रही से ओला देवा थे। और हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कितनी इस योजना से कितना लाभ मिलेगा और महिला सशक्तिकरण को लेके क्या इसमें कहना चाहेंगे आप? इसमें तो महिला मल्ला बहुत सारा लाभ मिलगी। सबसे पहली बात तो हर महिला जब सबसे पहली प्राथमिकता तो शिशुवती मल्ला दे, एक लिए शिशुवती मन बहुत खुश है कि मतलब 1 महीना कम से कम 1,000 अपन बच्चा के देख रेख लिए भी मिल जाए करके उगर से मतलब बहुत लाभ मिलगी। और आर्थिक तौर पर महिला कितनी मजबूत हो रही है इस योजना? आर्थिक तौर पे तो महिला बहुत मजबूत होती है योजना से, काबर कि शिशुवती हो तो सरकार पहले से नियम निकाले भी इसे से मतलब
कुछ राहत मिलत रही, लेकिन एक से बहुत कुछ राहत मिलत हूँ मतलब कि हर महीना हमला कम से कम 1,000 मिलत है, 12,000 भी मिल जाते तो बच्चे मन अपन बच्चा के भी वो भविष्य बना सके, जैसे स्कूल बच्चा जाने वाले मन है ओकर मन फीस वगैरह भी भर सकते, एक से मतलब बहुत सारा राहत मिलत है और बहुत खुश भी है सब महिला मन का। 2023 के विधानसभा चुनाव में महिलाएं एक बड़ा फैक्टर थी भाजपा की इस जीत के लिए, क्या लगता है इस बार लोकसभा में क्या लगता है इस योजना के बाद भारी बहुमत से जीत पाएगी भाजपा, यहाँ पर सरकार बना पाएगी? मोदी जी की गारंटी, ये एक लाइन का शब्द सभी महिलाओं के जीवन को बदल के रख दिया है और मोदी जी ने जिस गारंटी के साथ में महिलाओं से वोट मांगा था आज वो पूरे अधिकार के साथ में उनका पूरा ये वादा पूरा कर, खुशी है कि चलो हमारे पास कुछ पैसे आएंगे तो हम अपने बच्चों का स्तर सुधार पाएंगे, या गरीब तबके की महिलाएं जो थी वो छोटे छोटे बच्चों के इलाज के लिए भी या उनके पोषण के लिए तरसती रहती थी तो आज वो उन पैसों से अपने बच्चों का अच्छा पोषण कर पाएंगी, अच्छा इलाज कर पाएंगी, अच्छा शिक्षा दे पाएंगी, जिसके लिए वो दूसरे पर निर्भर रहती थी, वो आत्मनिर्भर बन गई है आज महिला हमारे लिए और उनके साथ में उनमें निर्भीकता भी बढ़ गई है, उनमें एक वो आ गया है कि हमको लोकसभा में मोदी जी को वापस से लाना ही है, क्योंकि जब इतना अच्छा कार्य हमारे लिए करना है तो आगे चल के इनका कार्य और भी अच्छा रहेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कितना लाभदायक है महिलाओं के लिए योजना और आने वाले लोकसभा में इसका क्या प्रभाव दिखने वाला है। और अपने राज्य शासन सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो महिलाओं के हित में रखकर ये योजना को लागू किया है और इससे बहुत जहाँ तक महिलाएं अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थी, 400-500 के लिए अपने पति देव से मांगती थी कि मुझे ये काम ऐसे करके, तो मोदी जी ने पहले बार ऐसे प्रधानमंत्री हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे मुखिया हैं जो महिलाओं के हित को ध्यान में रखकर उनके खाते में 1,000 देने का वादा किए हैं और ऐसे है कि मोदी जी जो भी घोषणा करते हैं उसको पूरा ही करते हैं। अभी मैं देखी हूँ 2 बज गया था लेकिन अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाएँ अपने आवेदन फार्म को भरने के लिए लाइन में लगी हुई थी और वहाँ सभी अपने आवश्यक दस्तावेज को लेकर लाइन में लगे हुए हैं और पूछकर अपने भर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी गरियाबंद में कुछ महिलाएं जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि महतारी बंधन योजना का लाभ महिलाओं को कितना मिल पाएगा और इस योजना से महिलाएं कितनी खुश हैं। महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गरियाबंद से राहुल ठाकुर, छत्तीसगढ़ तक।